पंजाब सूबे विच इस समय कानून व्यवस्था वर्गी कोई चीज नहीं है। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत दे वल्लों कीता गया। जिक्रयोग है कि जलंधर दे विच भाजपा दे वल्लों एक सूबा पदरी दफ्तर दा उद्घाटन कीता गया है, जिस वेले पत्रकारां दे नाल गल्लबात करते हुए जिथे इन्हां शब्दां दा प्रगटावा कीता गया उथे ही आम आदमी पार्टी दे नाल नाल कांग्रेस नूं वी झांके निशाने उत्ते लिया गया। श्रीमान शेखावत जी के कर कमलों के नाल और उन्होंने नाल पार्टी के उपाध्यक्ष सुधान सिंह जी, पार्टी का सारा ही कोर ग्रुप और पार्टी के ऑफिस वीर और जलंधर यूनिट ने इसका प्रबंध किया। पूरा मेरे लिए खुशी का मौका इस करके है कि साढ़े चुनाव प्रभारी श्री शेखावत जी ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने ने और पार्टी दे सब सीनियर लीडर, पार्टी दे मंत्री साढ़े सोम प्रकाश जी, साड़ी पार्टी दे सारे पूर्व अध्यक्ष और अहुदेदार जड़े है इस मौके ते रहे और अज असी पूरे विधि विधान दे नाल, क्योंकि साड़ी संस्कृति दे अंदर, साढ़े सनातन दे अंदर किसे भी काम की शुरुआत करन तो पहला भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता और विधि विधान दे नाल मंत्रों उच्चारण के मध्य के अंदर आज असी अपने इस विजय अभियान की शुरुआत जिहड़ी कीती है और कार्यकर्ता के अंदर पूरी तरह नाल जोश है। पंजाब एक विकल्प की तलाश है और भारतीय जनता पार्टी टिकाऊ स्थिर मजबूत सरकार देने लई कटिबद्ध है और मैं जिदा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गल कही कि पंजाब दे अंदर लगातार सत्ता का परिवर्तन होया, व्यवस्था नहीं बदलियां, जिहड़े मुद्दे अज तो 20 साल 25 साल पहला सी वह अज भी उदा ही दानम का रूप सगो धारण कर लिया है। चाहे बेरोजगारी का मामला होए, चाहे नशे का मामला होए, चाहे भ्रष्टाचार का मामला होए, चाहे किसानों के सुसाइड का मामला होए, चाहे छोटा व्यापारी होए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट होए, चाहे खेत च काम करने वाला मजदूर होए, उन्होंने समस्यावां का समाधान नहीं होया। इस करके भारतीय जनता पार्टी पंजाब नूं, पंजाबी और पंजाब दे लोकी एक आस दे रूप च देख रहे ने। उहदे पिछे कारण है देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 7 साल तो जिस प्रकार देश ही नहीं दुनिया दे अंदर भारत दे गौरव नूं, भारत दे मान नूं, भारत दी शान नूं बधाया है और जिहड़ियां गल्लां उन्होंने लोकां नाल वचन कीते सी उन्हां नूं उन्होंने पूरा कीता। उन्होंने कहा सी कि मेरी सरकार गरीब ली है, किसान ली है, कमजोर ली है। उन्होंने जितनिया भी नीतियां बनाईया, चाहे जनधन खाता खोलना, घर घर गैस सिलेंडर देना, चाहे शौचालय बनाना, चाहे गरीब कल्याण के द्वारा अनाज देना, अनेक योजनाएं ने। लेकिन मैं 3-4 का जिक्र किया कि अंतिम पायदान के व्यक्ति लई जो उन्होंने संकल्प लिया उन्होंने पूरा किया, ये साड़ी ताकत है पंजाब के अंदर। बाकियों ने तो लारे लाए, गरंटियां दित्तियां और वचन पूरे नहीं किए अपने। अज उन्होंने लगता है कि अगर देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आती है तो पंजाब विकास के लिए, तरक्की के लिए, अमन लिए, शांति लिए, सद्भावना लिए अगे बढ़ेगा। अज लोगों को पता ही है कि पंजाब की कानून व्यवस्था जिस प्रकार चरमराई है, पंजाब के अंदर जिस प्रकार अराजकता का वातावरण है, रोज फरोख्ती के मामले आ जाते हैं। लुधियाना का बम ब्लास्ट इस गल वल संकेत करता है कि पंजाब के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है और यदि अमन नहीं है, शांति नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी इस गल की गरंटी है कि वह सद्भावना और एके नूं मजबूत दे नाल नाल कानून का राज स्थापित कर सकती है, जिस महिलावां सुरक्षित होन, जिस नौजवान दे लई रोजगार के साधन सिरजन होन। इस करके मेरा अपना भी अद्धे पंजाब के अंदर जाना हो गया है, लगभग 48 विधानसभा मैं होके आया, बदला होया पंजाब देख रहा। 2010 च भी मैं प्रधान सी, हुण भी प्रधान हाँ, पर हुण पंजाब बदलिया होया। पंजाब बीजेपी लई आण दे लई, जाण दे लई तैयार है और सरकार बनाने लई तैयार है और अपना कार्यकर्ता भी और पंजाबियों का जो प्यार, चाहे वह शहरी वोटर है, चाहे ग्रामीण वोटर है, जिस प्रकार बीजेपी नूं लैके उत्सुकता वधी है। मैं तुहानूं भी गल कहना, तुसीं किसे रक्षे वाले नूं पुछ लो, रेहड़ी वाले नूं पुछ लो, चाह वाली दुकान तों पुछ लो, चाहे नाई कोल चले जाओ, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट कोल चले जाओ, उन्होंने पुछोगे ना की हाल है, कहना जी बीजेपी की सरकार बन रही है। और अगला सवाल तुहाडा किदां, कहिंदा ऐ मैनूं पता नहीं पर सरकार बीजेपी ने बनानी है क्योंकि उही पंजाब च अमन शांति दे सकती है।
इस उद्घाटन के मौके के अंदर आप सभी साडा हिस्सा बने, मैं तुहाडा भी स्वागत करता और आदरणीय शेखावत जी अगे निवेदन करता कि उन्होंने मार्गदर्शन के अंदर उन्होंने अनुभवी व्यक्तित्व का ही प्रचायक है कि अब पंजाब का वातावरण जोड़ा बदल रहा है और जिस प्रकार सुधान सिंह जी और शेखावत जी कार्यकर्ता के नाल रूबरू होके कार्यकर्ता और पंजाब की नबज न समझते हुए सानू गाइड कर रहे हैं। कोई वो ये अतिशोक्ति नहीं है कि दो तिहाई बहुमत वाल भी बीजेपी बच सकती है। इस करके मैं शेखावत जी अगे निवेदन करदा कि वो आप जी दे नाल समुख होने इस मौके से उद्घाटन के मौके से अपनी गलबात कह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधान सिंह जी, मंत्रिमंडल में मेरे पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, निश्चित ही आज हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज का दिन और आज के दिन से ज्यादा प्रेरणादायक और आज के दिन से ज्यादा पवित्र दिन नहीं हो सकता क्योंकि आज का दिन गुरुपुत्रों की शहादत, गुरुपुत्रों के बलिदान का दिन है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज सरदार उधम सिंह जी का भी जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का ये पवित्र दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हमने पंजाब प्रदेश के चुनाव कार्यालय का, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ आज हुआ है। जैसा प्रदेश प्रधान जी ने अभी बताया कि पूरा पंजाब एक अल्टरनेट की तलाश कर रहा है, जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, वर्तमान की सरकार, इससे पहले की सरकार है, उसका जिम्मेदारी लेने के बजाय अहंकार से ग्रसित है और अहंकार के वश जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता का विश्वास अब उनसे समाप्त हो गया। एक तरफ अहंकार से में पगी हुई कांग्रेस और कांग्रेस के पंत को प्रदेश प्रधान है, दूसरी तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग लगे हैं, एक तरफ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एम्प्टी प्रॉमिसेस के लिए पूरे दिल्ली के सामने और देश के सामने जगजाहिर हो चुकी है, जिसने झूठे सब्ज बाग दिखा करके और अब तो दिल्ली के एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए रोक करके दिल्ली के विकास में जो पार्टी बाधा बनी है वो एक झूठे कांच और सपने लेकर के यहाँ पंजाब में आई है। किसान जो राजनीति नहीं करेंगे ये बात करते थे, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से डाइल्यूट हुई है, पंजाब में जिस तरह से माफिया राज बना है, पंजाब में जिस तरह से नार्को टेररिज्म बढ़ा है, पंजाब में जिस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को डेंट करने का प्रयास किया गया, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, रेता माफिया जिस तरह से पंजाब में हावी हुआ है, आज पंजाब जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं का प्रदेश है, जिसके स्मरणवाद से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, वो पंजाब इस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। उसके लिए जिम्मेदार लोग उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उस जिम्मेदारी से बच करके नए सब्ज बाग पंजाब की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसा प्रदेश प्रधान जी ने कहा कि पंजाब की जनता अब इस हकीकत को समझ चुकी है, पंजाब की जनता इन झूठे वादे करने वाले लोगों को भी पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार चाहे शहरों में या पिंड में सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनेगा। उसको लेकर कोई नुकसान कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है
उसके फायदे और नुकसान की चिंता उनको करनी चाहिए। लेकिन पंजाब की जनता ये जानती है, देश की जनता भी, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सभी लोगों ने बार बार इस बात का, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले नहीं है। एकाएक उन्होंने यू टर्न किया है, मुझे लगता है कि उसका फायदा और नुकसान का आकलन अब उनको करना चाहिए। सर, पंजाब में बेदबी के मामले लगातार हो रहे हैं, उसको लेकर क्या अभी, क्योंकि लगातार कल अकाल तख्त साहिब पर एक मीटिंग होती है जिसमें 5 तख्त साहबान जो है वो वहाँ पर मीटिंग करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पंजाब सरकार से उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है, जिस तरह से बेदबी की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में हमें ही अपने हाथ में जो है वो सुरक्षा लेनी होगी। क्योंकि जहाँ तक पंजाब सरकार से नाउम्मीदी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि केवल SGPC के गुरुद्वारों के जत्थेदार ही नहीं, पंजाब की जनता भी ये जानती है कि अभी सरकार से नाउम्मीदी के अलावा और कोई विकल्प, कोई उम्मीद हो नहीं सकती। पंजाब के जनता ने भी जो है इस सरकार से उम्मीद छोड़ दी, लेकिन निश्चित ही इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिए कि ये बेअदबी की घटनाएं चुनाव से ठीक पहले ही क्यों होती है। पहले भी चुनाव से पहले बेअदबी की घटनाएं हुई थी, पिछले चुनाव का भी स्मरण करिए, विभिन्न धर्म और संप्रदाय के मंदिरों में इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास किए गए थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। मुझे लगता है कि जांच करने वाली एजेंसीज को उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच करनी चाहिए और इसकी तह तक जा करके कौन पंजाब के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उनको बेनकाब करना चाहिए। ये समय आ गया है जब पंजाब में ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को पंजाब की जनता के सामने लाने की आवश्यकता। शेखावत जी, पहले कह दिया गया था कि पंजाब में ऐसी घटना हो सकती है और पंजाब सरकार अलर्ट पर रहे, उसके बावजूद सरकार की कार्यवाही कैसे दिखती है, उसके बावजूद ये इस तरह की घटनाएं सामने आई। लुधियाना बम ब्लास्ट से लेकर के इससे पहले जो बेअदबी की घटनाएं हुई है, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने समय रहते एडवाइजरी भी इश्यू की थी, मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की थी और बहुत पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन दी थी जो आज मीडिया में सब जगह पर आ चुका है। लेकिन जो सरकार आपसी विग्रह का शिकार हो, आपसी लड़ाई का शिकार हो, जो सरकार का मुख्यमंत्री और सरकार चलाने वाली पार्टी का प्रधान दोनों, चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, DGP कौन बनेगा, इसकी लड़ाई को लेकर के एक दूसरे की कुर्सी और टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सरकार में जो सरकार चलाने वाली पार्टी और सरकार का मुखिया दोनों एडवोकेट जनरल कौन बनेगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनको करना चाहिए उसको छोड़ करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो लोग झगड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः सजा जो है वो पंजाब की जनता को भुगतनी पड़ रही है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें कहा था कि कोई भी आता है और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को जाके दमकाता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, इसका विद्रोह जो है वो, मुझे लगता है कि बयान आपने ठीक से पढ़ा नहीं था। उन्होंने बयान ये दिया है कि MLA को इतना ताकतवर होना चाहिए कि जो आकर के अगर टांग जो है खड़ंजा मारे तो वो उसकी पैंट गीली हो जाए। देखिये, ये उनकी मानसिकता का परिचय है। एक तरफ वो बाजवा के गलबैया करते हैं, इमरान खान को जाकर के झप्पी मारते हैं और दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों, अपनी जान की बाजी लगाने वाले जो है हमारे वीर सैनिकों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करने वाले हमारे पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अपनी सिक्योरिटी छोड़ करके, जैसा उनको एक पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि 4 दिन सड़क पर घूमना शुरू करें और उसके बाद में इस तरह की चर्चाएं करें, तो मुझे लगता है कि हकीकत उनको पता लग जाएगी। शेखावत जी, आजकल पंजाब में यह है कि आम आदमी पार्टी या दूसरे सब मुफ्त में बांटने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, तो हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा प्रदेश आपके, BJP क्या इसके, आज पंजाब के हालात जिसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो दो परिवार पंजाब पर इतने वर्षों से शासन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ गांधी परिवार होगा या बादल परिवार होगा, ये दो ही परिवार पिछले लंबे समय से पंजाब में शासन कर रहे हैं। 1981 में ये पंजाब का प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, वो प्रदेश देश का एक नंबर GDP वाला प्रदेश था। 2001 में आते आते
चौथे पायदान पर पहुंचा था। आज 2021 के अंत में जब हम बात कर रहे हैं तब 16वें पायदान पर है और लगातार फिसलता जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पंजाब प्रदेश देश की जीडीपी ग्रोथ का एक तिहाई ग्रोथ वाला प्रदेश है और देश में सबसे नीचे जीडीपी ग्रोथ वाला प्रदेश जो मणिपुर है उससे ठीक ऊपर है, लास्ट बट वन पोजीशन पर। जिस पंजाब ने वो खुशहाली का दौर देखा है उस पंजाब की ग्रॉस स्टेट रेवेन्यू का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा डेब्ट सर्विसिंग में जाता है, 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे असीम संभावनाओं वाले प्रदेश पंजाब को इस बदहाली के दौर में धकेलने के बाद में भी इस तरह के झूठे वादे करना, और आम आदमी पार्टी से तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में जो वादे किए थे पहले उन वादों को पूरा कर ले। मैं अभी चंडीगढ़ में हवाई जहाज से उतर करके चंडीगढ़ से जब कल आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ा पोस्टर लगा था कि हम चंडीगढ़ को कचरे के ढेर से मुक्त कराएंगे। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से कहूंगा एक दिन सड़क मार्ग से दिल्ली में जाइएगा, जहाँ दिल्ली में प्रवेश होगा बेहतर जो है अपने बाएं हाथ की तरफ आपको कचरे के पहाड़ दिखाई दे। जो आदमी दिल्ली में नहीं कर पाए 7 साल के बाद में भी वहां पंजाब में आकर के झूठे सपने दिखा रहे। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस युग में और आप सबके जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जागरूक पत्रकारों के होते हुए भी अगर इस तरह की जो है वो झूठे वादे खोखले सब्ज बाग जो है वो जनता तक पहुंच पाते हैं और अगर उजागर नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार मित्रों को भी उसके बारे में निश्चित रूप से एक बार अपने अंतर्मन में झांक करके भी देखना चाहिए कि हम यथार्थ को कहां तक जनता तक पहुंचाने के लिए जिसकी हमारी जिम्मेदारी हम प्रयास कर रहे हैं। सर बीजेपी का क्या एजेंडा है, कैप्टन साहब की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस उसके साथ कहां तक बात पहुंची है, कब तक? देखिए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं और हमारे प्रदेश प्रधान, हम सभी लोग ये बात कह चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। पंजाब की सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के, पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के और भविष्य में एक खुशहाली और समृद्धि भरा पंजाब वापस बनाने के लिए, एक नया पंजाब भाजपा के साथ मिलकर के बनाने के लिए हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उससे आगे की चीजें जितनी भी जिनके बारे में आप सोचते हैं कल्पना करते हैं वो सिर्फ गणित के आंकड़े मात्र हैं। जब मन में एक लक्ष्य एक हो और भाव पवित्र हो कि हम सबको मिलकर के साथ चलना है तब ये आंकड़े और आंकड़ों की गणित जो है वो गौण हो जाती है, का भी है वो सब गौण हो जाती है। तो सर बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा इन चुनावों में? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2014 से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार में आए उसके बाद में विकास ही एकमात्र एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अल्टीमेट उद्देश्य तय है, उसका मार्ग भी तय है। पार्टी के संस्थापक दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लक्ष्य तय किया था कि हम भारत को दुनिया का सबसे जो है समृद्ध शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बनाएंगे और उसका मार्ग जो है वो गरीब के घर से जाता है, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने से जाता है, उसको खुशहाल और समृद्ध बनाने से जाता है। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसी पंथ पर चलते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश को आगे बढ़ाया है और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि देश उस गति से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि देश का कोई भी एक हिस्सा, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, कोई भी एक हिस्सा विकास की इस दौड़ से अछूता न रहे, पीछे न रहे। हम उसके संकल्प के साथ में काम करेंगे, सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के, सबके विकास के लिए सब मिलजुल करके प्रयास करते हुए काम करेंगे। हम टीम इंडिया और फेडरल कोऑपरेटिव की कोऑपरेटिव की भावना के माध्यम से, कॉरपोरेशन की भावना के माध्यम से हम सब लोग काम करें। सर सभी पार्टियां लिस्ट जारी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट, तो आगे वो लोग कब तक? चलिए समय आएगा तो वो भी कर देंगे, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। चलिए धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हुण मैनू अपने घर वाले तो पैसे मंगण दी लोड़ नहीं पैणी, ते चिंती दी फीस ओ भी मैं आप ही भर देनी है, ते बेबे दीआं दवाईआं ओ भी मैं आप ही लैणीआं ने। मेरा वीर सुखबीर, साडा अपना सुखबीर बादल आउण वाला है, ओ देऊगा मैनू 24,000 रुपए हर साल।
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ।